एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यूपी के प्रयागराज से आई खबर है। प्रयागराज में यूरिया बनाने की कंपनी इफको में अमोनिया गैस का रिसाव यानी लीकेज हुआ है। इस हादसे में कंपनी के दो अफसरों की मौत हो गई है जबकि 20 से ज्यादा कर्मचारी बीमार है। बीमार लोगों में 14 की हालत बेहद गंभीर है। देखिए रात करीब 12 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। हादसे के वक्त प्लांट में करीब 100 से ज्यादा कर्मचारी और कई अफसर काम कर रहे थे। हादसे के बाद कंपनी के दोनों प्लांट को बंद कर दिया गया है। लापरवाही की वजह से हादसे की आशंका है। शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर फूलपुर इलाके में इफको कंपनी की ये फैक्ट्री है। हैरानी की बात है कि 2 सालों में 5 बार गैस लीकेज की घटना हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रयागराज में इफको कंपनी की यूरिया बनाने वाली कंपनी में गैस लीक के बाद 2 अफसरों की मौत हो गई। यहाँ बड़ी लापरवाही का भी मामला साफ तौर पर देखा जा सकता है क्योंकि यहाँ 2 सालों में 5 बार गैस लीकेज की घटना हो चुकी है और इस बार हुई इस घटना में 2 अधिकारियों की मौत हो गई है। प्रयागराज में इफको कंपनी में अमोनिया गैस का लीकेज हुआ है। यूरिया बनाने की ये कंपनी है जिसका नाम इफको है। यहाँ पर गैस का रिसाव हुआ, वो भी अमोनिया गैस का जो बेहद जहरीली गैस है। गैस रिसाव में कंपनी के 2 अधिकारियों की मौत भी हो गई। देखिए 20 से ज्यादा कर्मचारी बीमार भी हैं। प्रयागराज की ये घटना आंखें खोलने के लिए काफी है कि 5 साल में कई बार लीकेज हुई, उसके बाद भी कंपनी ने अपने कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया। मोइन खान हमारे साथ प्रयागराज से सीधे जुड़ गए। मोइन, क्या अपडेट है अभी? जी बिल्कुल, रात ये 12 बजे के आसपास की घटना है और जो इफको है यहाँ पर 2 प्लांट है। प्लांट नंबर 2 में जो है वो किसी पंप से लीकेज हुआ था और उससे अफरा तफरी मच गई थी और जिस वक्त लीकेज हुआ था उस वक्त फैक्ट्री में करीब 100 कर्मचारी और कई अधिकारी काम कर रहे थे। इनमें से 2 अधिकारियों की दुखद खबर ये है कि 2 अधिकारियों की अब तक मौत हो चुकी है। 2 दर्जन के करीब लोग जो कर्मचारी थे वो बीमार हैं। इनमें से 8 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है और आपको बता दें कि 2 साल में ये 5वीं घटना है जब वहां पर अमोनिया गैस का लीकेज हुआ है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये लगातार लापरवाही पर लापरवाही होती जाती रही और जो अधिकारी है वो किसी बड़े हादसे का इंतजार। बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं किस तरीके से पूरा हादसा हुआ, इस पर भी अभी जांच होनी है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि 2 सालों में 5 बार अगर गैस लीकेज हो रही है तो लापरवाही किसकी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।